टेक बुलेटिन के नए एपिसोड के साथ में हाजिर हो गया है कमाल के नए अपडेट्स के साथ में। उन सब अपडेट्स से रूबरू होने के लिए लास्ट तक देखी वीडियो मैं मशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 5G के बारे में। इरिक्सन दूसरी कंपनीज के साथ में मिलकर इस समय इंडिया में 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। ऐसे में इरिक्सन की कोई भी भविष्यवाणी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कंपनी का प्रेडिक्शन है कि 2027 तक तकरीबन हर यूजर को 5G आने के बाद 50 GB पर एवरेज डेटा यूजर चाहिए होगा। 2021 की ही अगर बात करें तो तकरीबन हर यूजर को ऑन एन एवरेज 20 GB डेटा चाहिए होता है, यानी कि सिर्फ 6 सालों के अंदर तकरीबन इसमें 2.5 गुना ज्यादा उछाला हमें देखने को मिलेगा। कहां 20 GB और कहां सीधे 50 GB। आप बताइए आपका मंथली यूसेज ऑन एन एवरेज कितना है। अगला अपडेट ओप्पो के फर्स्ट टैबलेट ओप्पो पैड एयर के बारे में, जिसको चाइना में ऑलरेडी कंपनी लॉन्च कर चुकी है। इंडियन यूजर इसका इंतजार कर रहे थे। लगता है जल्द ही इंडिया में भी इसे कंपनी लॉन्च करने वाली है, क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन पर इस टैबलेट को स्पॉट कर लिया है। अब स्पॉट होने के बाद आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि इस टैबलेट के अंदर ओप्पो ने दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट। बाकी दोस्तों प्राइस वगैरह को लेकर थोड़ा इंतजार करते हैं। एम्ब्रेन ने नई स्मार्ट वॉच वॉइस रोम इंडिया में लॉन्च कर दी है। MRP जरूर आपको हिला सकती है 5,999, लेकिन फिलहाल तो इंट्रोड्यूसिंग प्राइस पर फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है 2,499 में। आपको सर्कुलर डायल मिल रहा है, 10 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, डिफरेंट आपको मोड्स मिल जाएंगे, एक्सरसाइज और हेल्थ से रिलेटेड फीचर भी। साथ में आपको बता दूं कि इसमें आपको IP68 रेटिंग भी दी गई है। वैसे प्राइस मैंने आपको बताई दी है, 2 कलर ऑप्शन में इस समय ये अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट इस समय काम कर रहा है एक नए फीचर पर जो कि प्राइवेसी को एनहेंस करेगा, प्राइवेसी ऑडिटिंग। ये फीचर का नाम है, जिसको कि इस समय प्रीव्यू पर विंडोज 11 टैबलेट जो PC और लैपटॉप्स हैं उन पर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि इस प्राइवेसी ऑडिटिंग की मदद से कोई भी यूजर अपने फोन के अंदर इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशंस को चेक कर सकता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन लोकेशन माइक्रोफोन कैमरा को यूज कर रही है। तो यानी कि आप अपने फोन की प्राइवेसी की तरह ही अब टैबलेट पीसी पर भी काम कर सकेंगे और जिसको चाहेंगे परमिट करेंगे, जिसको चाहेंगे डिसेबल कर सकेंगे। खबर आ रही है सोनी के अंदर से। सोनी इस समय 100 MP के एक नए कैमरा सेंसर पर काम कर रहा है। अब ये सोनी का 100 MP का सेंसर ना बल्कि आपके फ्लैगशिप फोन्स के लिए है, बल्कि कंपनी स्पेशली मिड रेंज फोन्स के लिए लेके आ रही है। यानी कि 25,000 से ऊपर के फोन वालों के लिए थोड़े से कुछ अच्छा काम सोनी ने सोचा है। वैसे आपका अब तक आपको बता दूं कि सैमसंग इस समय कैमरा लीड में मेगापिक्सल के हिसाब से ज्यादा आगे बढ़ चुका है सोनी से। तो फिलहाल देखते हैं कि सोनी क्या सैमसंग को यहां पर बीट कर पाता है मिड रेंज फोन कैमरा लेंसेज में। पिछले साल सितंबर में ओप्पो ने फाइंड X5 प्रो फोन लॉन्च किया था, जिसका की फोटोग्राफर एडिशन चाइना में। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th Gen 1 चिपसेट भी कंपनी ने दिया था। अब इसी सीरीज के एक नए फोन पर काम कर रही है कंपनी, जिसका आज एक रेंडर लीक हुआ है। एग्जैक्ट दोस्तों नाम तो नहीं पता कि फोन के अंदर क्या मिलने वाला है, क्या है फीचर्स और क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, ये सब चीजें अभी दोस्तों क्लियर नहीं हुई है। बस रेंडर फिलहाल अभी सामने आया है, देखते हैं दोस्तों फोन कौन सा निकल के आता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइंड एक्स प्रो का ही कोई और दूसरा लिमिटेड एडिशन है, जो भी होगा दोस्तों जल्द ही क्लियर होगा। हाल ही में एप्पल ने डेवलपर कॉन्फ्रेंस में iOS 16 को अनवील किया, और सारे नए फीचर जो यूजर्स को कमाल लगने वाले हैं। लेकिन फिर भी सिलसिला रुक नहीं रहा है, हर दिन कोई नया फीचर निकल के आ जाता है। आज भी एक नए फीचर के बारे में चर्चा होना शुरू हो गई ऑनलाइन। बताया जा रहा है कि iOS 16 के बाद आईफोन में यूजर्स को मिल सकेगी एक सहूलत कि वो किसी भी तरह के जो कैप्चा वेरिफिकेशन है उनको बाईपास कर सके। अब दोस्तों ये जो बाईपास करने वाली जो फीचर है वो कौन कौन यूज कर पाएगा, कौन कौन सी डिवाइसेस में मिलेगा और कौन कौन सी एप्लीकेशन या वेबसाइट्स पे काम करेगा, ये दोस्तों एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको वेरिफिकेशन वाला जो एक मकड़ जाल है ना, उससे थोड़ी सहूलत जरूर मिलेगी। आखिर में एक डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताते चलते हैं। रेडमी नोट 10S, अगर ये फोन आप परचेज करना चाह रहे थे तो आपको एक बेहतर मौका मिलने वाला है, क्योंकि फोन पर कंपनी ने 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट कर दिया है। अगर आप 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट चाहते हैं तो आपको 16,499 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट पे आपको 1,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट कंपनी ने इस फोन के अंदर दिया है, तो फटाफट से इसका फायदा उठा लीजिए। बाकी दोस्तों ये थे अपडेट, कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।